वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं छत पे आया हूँ अभी। और हमारी जो कल नई वाली बकरी लाया था बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है, तो अभी मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह से हमारी जो पुरानी गुलाबी वाली बकरी थी उसको अंदर करा हुआ है और नई वाली बकरी को बाहर ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि यार जो हमारी नई वाली है ना वो हमारी पुरानी वाली को मार दी है, तो इसी वजह से अलग अलग करा हुआ। अभी मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी नई वाली बकरी आ गई और ये कल से हमारी यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा खुश है। और इसने अगली तो डांगों में ना वो भी पहने हुए, जब ये भाग रही है ना ऐसी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है। लेकिन बस इसके साथ एक मसला है, ये हमारी जो पुरानी वाली बकरी है ना वाली उसको मार दी है, इस वजह से ना इन दोनों को अलग रखा हुआ है। तो हो सकता है कुछ दिनों में सेटिंग हो जाए दोनों की, तो दोनों को एक साथ कर देंगे। इसी वजह से हमारी पुरानी वाली बकरी भी देख रही है कि अब नई वाली आ गई ना, उसको बंद करा हुआ है और नई वाली को खोला हुआ है। तो यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये है कि लड़ाई हो रही है और मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़ख्मी हो कोई बकरी या किसी के चोट लगे, तो इसी वजह से दोनों को अलग अलग रखा हुआ है। अभी मैं गेट खोल रहा हूँ ना, ये फ़ौरन बाहर आ रही है, क्योंकि यार इसको बाहर आना है, ये इसका टाइम है बाहर खुलने का। अब इस वाली बकरी की वजह से ये अंदर ही नहीं आ पा रही, यानी बाहर नहीं आ पा रही, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रही है हमसे। लेकिन यार 2-3 दिन की बात है, इंशाल्लाह सेटिंग हो जाएगी, फिर दोनों को एक साथ रखा करेंगे। ये वाली तो कुछ भी नहीं कह रही, ये वाली मार दी है सिर्फ। तो यार सेटिंग हो जाएगी इंशाल्लाह 2-3 दिन में, वरना फिर अलग अलग ही रखना पड़ेगा। तो अभी मैं अंदर ही जा रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ भी है कि हमारा जो ये वाला रैबिट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो रहा है। रैबिट फीमेल है ये और काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो रही है ये, जैसे भागती फिरती थी ना भाग नहीं रही है। या तो सर्दी की वजह से कोई मसला है या फिर कोई भी बात है, मैं इसको चेक करता हूँ कि इसके साथ क्या मसला है, क्यों इतनी सुस्त हो रही है। आप इसकी आँखें देखें, आँखें भी इसकी बहुत छोटी छोटी हो रही हैं, तो कोई तो बात है जो ऐसा कर रही है, ये बहुत ज़्यादा सुस्त हो रही है। और माशाल्लाह से ये वाला देखें, काफ़ी क्यूट लगता है ये, ब्लैक कलर में, इसकी नोज़ वाइट है सिर्फ, चेक करें आप लोग। और अभी मैंने इनको खाना दिया था तो थोड़ा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया इन्होंने। और वाली रैबिट फीमेल को आप लोग देखें, वो आगे चली गई है, चल रही है, ऐसा नहीं है चल फिर नहीं रही, लेकिन सुस्त है बहुत। आज कल सैड थी लेकिन आज मुझे सुस्त लग रही है बहुत, तो इसीलिए मैं देखता हूँ नेट वगैरह पे सर्च करता हूँ इनकी कोई मेडिसिन वगैरह हो तो इसको खिलाऊंगा मैं। दोस्तों मैं सुबह से देख रहा हूँ हमारा लकी पिजन का ये वाला पेड़ जो है ना, माशाल्लाह से ना ये अपने ना नए घर की सेटिंग बनाने में लगा हुआ है। ये इसकी फ़ीमेल है और इसका मेल इसके पीछे लगा हुआ है, सुबह से मैं देख रहा हूँ। और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है, वो देखें फ़ीमेल ऊपर चली गई, अभी मेल शायद ऊपर जाए, पता नहीं ना जाए। मैं गेट खोलता हूँ तो ये सारे बाहर आ जाएंगे, तो फिर देखते हैं, जैसे ये बाहर आते हैं तो फिर देखते हैं इसका मेल इसको क्या करता है, तंग करता है या फिर नहीं। दोस्तों मैंने गेट खोला है तो सारे के सारे बाहर आना शुरू हो गए, और मेल देखें दोबारा से फिर से वही करने लग गया है। अभी इस टाइम ना ये दो कन्फर्म पेयर हैं, एक वाला जो आगे वाला है वो मेल है और वो फीमेल है, एक ये मेल है ये फीमेल है, और सब के सब बाहर आ गए माशाल्लाह से, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मैं करीब जाता हूँ इनके, थोड़ा सा आप लोगों को करीब से दिखाता हूँ, ये मुझसे डर रहे हैं, मैं इनके बहुत करीब आ गया हूँ। माशाल्लाह से ये वाला सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, आप लोग इसकी क्वालिटी चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ये खुद ही सारे के सारे अंदर चले आएंगे। ये वाला मेल जो है ना, ये हर फीमेल के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। और अभी हमारी रैबिट वाली फ़ीमेल आई है ना, वो लकी पिजन से पता नहीं क्या उसको मसला है, वो इनके काटती है, तो अभी मैं इन सबको जल्दी से बंद कर देता हूँ वरना ये पीछे लग जाएगी। इन सबको मैंने बंद कर दिया वरना ये हमारी वाली फ़ीमेल है ना, ये इनको इनके पीछे लग जाती है, इनके पर नोचती है, तो इसीलिए मैंने जल्दी से इन सबको बंद कर दिया। और ये वाली रैबिट की फ़ीमेल हमारी अभी भी ना सुस्त हो रही है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ और इसके लिए देखता हूँ क्या।
जी तो दोस्तों, अभी तकरीबन 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और हमारी दोनों बकरियां यहाँ पे सुकून से आराम कर रही हैं धूप में। वाली तो धूप में बैठी हुई है, इसको हमने बांधा हुआ था, ये वाली को मार दी थी तो ये अभी खड़ी हुई है। और अभी शाम होने वाली है, थोड़ा सा ही टाइम है। हमने उस दिन सफाई करी थी छत की, लेकिन छत गंदी हो गई तो काफ़ी ज़्यादा हरी घास बची हुई और पड़ी हुई है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ अपने रैबिट्स को ना बाहर निकाल देता हूँ, छत पे खुला छोड़ देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बिल्ली आती है हमारे यहाँ, ये दोनों इंतज़ार में बैठे हैं, इनको खाना चाहिए। तो इनको मैं छत पे निकाल देता हूँ, ये छत साफ़ कर देंगे, जितनी भी हरी घास है ना ये खा लेंगे। थोड़ी देर मैं खड़ा रहूँगा ताकि बिल्ली आए तो बिल्ली को मैं देख लूँ। तो इनको मैं बाहर निकाल के फिर आप लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों फाइनली मैंने 7-3 रैबिट्स पकड़ के बाहर आज़ाद किए हैं। एक फ़ीमेल थी वो मेरे हाथ में, मैंने बहुत देर कोशिश करी लेकिन वो मेरे हाथ में आई नहीं, तो उसको मैंने छोड़ दिया। फिर बाकी इन तीनों को मैंने आज़ाद कर दिया। अभी यहाँ पे घूमे फिरें, जो करना करें। थोड़ा सा मैं इनका ध्यान भी रखूँगा कि बिल्ली आके इनको तंग ना करे। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे यहाँ पे खुल के, और ये वाली फ़ीमेल आप देख सकते हैं कैसी खुश हो रही है। इनको ये जगह भी बहुत पसंद आई है माशाल्लाह से। उस ब्लैक वाले को तो अपना पुराना घर याद आ रहा है, अंदर ही झांक रहा है। ये वाली थोड़ी सुस्त हो रही, सुबह वाली सुस्त थी लेकिन अब वो सेट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब ये वाली सुस्त हो गई है। इंशाल्लाह ये भी सेट हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोगों ने भी इसके लिए दुआ करनी है। बाकी इनको मैं अभी थोड़ी देर खुला रखता हूँ, ये छत की अच्छी तरीके से सफाई कर दें, जितनी भी घास है वो खा लें। और वो वाली फ़ीमेल देखें बोरी, उसको मैंने इतनी कोशिश करी, उस वो मेरे हाथ में ही नहीं आई, भाग दी भाग दी, फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया। बाकी इन सबको खोल दिया मैंने माशाल्लाह से। वो पेयर है, ब्लैक वाला मेल है और वाइट वाली जो है फीमेल है, तो इन दोनों का पेयर बन गया। ये दोनों अभी अकेले अकेले हैं, इनका भी इनके इसी मेल के साथ पेयर बनेगा क्योंकि मैं एक और मेल नहीं लाऊंगा। वो तो बस ये एक मेल और 3 फीमेल का मैंने पेयर रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह यही पेयर रहेगा। ये वाली फ़ीमेल काफ़ी कमज़ोर हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। सुबह ये सैड थी, वो वाली फ़ीमेल ऐसी हो रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये वाली फ़ीमेल बहुत अजीब सी लग रही है मुझे। तो आप लोगों ने इसके लिए दुआ करनी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे कल एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।